धनबाद में मगही भोजपुरी मैथिली संस्कृति बचाओ मंच के बैनर तले गुरुवार को झरिया के कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया, घेराव किया गया। धरना के दौरान मंच के वक्ताओं ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सत्ता के लोभ के कारण आज हमारे विधायक मगही भोजपुरी अंगिका भाषा के साथ हुए अन्याय का विरोध और ना ही उन्होंने विधानसभा सत्र में जनसंख्या के आधार पर यह सर्वे कराने के बाद मगही भोजपुरी अंगिका भाषा को क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने की मांग को रखा है। आज धनबाद के शहरी क्षेत्र में मगही भोजपुरी अंगिका भाषा के काफ़ी संख्या में लोग रहते आ रहे हैं, परंतु राजनीतिक षड्यंत्र के कारण मगही भोजपुरी अंगिका भाषा के लोगों को बाहरी बोलकर अपमानित किया जा रहा है। अभिषेक सिंह बंटी। अभिषेक जी, ये कौन सी जगह है और किसके आवास को आप लोग आज घेरे हुए हैं? ये माननीय झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह जी के आवास का हम लोगों ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज घेराव किया है, बट अभी पता चला है कि माननीय विधायक जी यहाँ धनबाद में नहीं है, तो हमारा जो भी ज्ञापन है हम उनके प्रतिनिधि का इंतजार कर रहे हैं। वो जैसे ही आते हैं हम अपने हमारा जो भोजपुरी मगही मैथिली को जो हटा दिया गया है झारखंड बोकारो से, उसी का विरोध कर रहे हैं और उसको पुनः लागू करवाने के लिए हम आए थे यहाँ अपना ज्ञापन देने माननीय विधायिका को, क्योंकि वो भी इसी भाषा से आती हैं और उन्होंने वैसे तो व्यक्तिगत तौर पे वो काफ़ी मुखर रही हैं इस चीज़ को लेकर के, लेकिन सदन में ऐसा देखा गया कि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, तो हम आए थे उनसे मिलने के लिए, उनको अपना ज्ञापन देने के लिए और अपना विरोध जताने के लिए।